सर, हम थक गए हैं सर, मैं बहुत थक गई हूँ, भले कोई भी फैसला कर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। नाजरीन, ये सीमा हैदर है जो आज बिलक बिलक कर रोने पर मजबूर है। कोई भी सरकारी जिम्मेदारान उसको राहत देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उस पर जासूस होने का भी इल्ज़ाम लग रहा है और ये हिंदुस्तान के अमन व सलामती का मसला है। अपने आशिक के साथ रहने के लिए हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाली पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर, जिसने सचिन की मोहब्बत में मजहब इस्लाम ही छोड़ दिया, मगर उसके बावजूद तकलीफ कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहां सचिन बीमार की वजह से मीडिया के सामने नहीं आ पा रहा है, साथ साथ सचिन के दो रिश्तेदारों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब नोएडा पुलिस ने उसकी शनाख्त की तस्दीक के लिए दिल्ली में वाक़ पाकिस्तानी सफारत खाने को भेज दिया है। सीमा हैदर में अपने चार बच्चों के साथ अपने आशिक सचिन मीना के साथ रहने के लिए गैर कानूनी तरीके से नेपाल के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद तफ्तीश के घेरे में है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 जुलाई को पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद से सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस होने के शक में सिक्योरिटी एजेंसियों के रडार पर है। पुलिस ने जांच के दौरान सीमा हैदर से कई दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनमें उसका पासपोर्ट, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और उसके बच्चों के पासपोर्ट शामिल थे। वह पाकिस्तानी शहरी है या नहीं, उसकी तस्दीक के लिए भी दस्तावेज पाकिस्तानी सफारत खाने को भेजे गए थे। उस दौरान पुलिस ने सीमा हैदर के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने उसको जब्त किए गए मोबाइल को आगे की जांच के लिए गाजियाबाद में वाक़ फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पाकिस्तान से सीमा हैदर की शनाख्त की तस्दीक, दोनों चीज़ें ज़ेर इल्तवा है। अब उनके मिलने तक जांच जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि उसकी तस्दीक होने के बाद उस सिलसिले में चार्जशीट तैयार किया जाएगी। इसी दरमियान उत्तर प्रदेश ATS ने सचिन मीना और सीमा हैदर के दस्तावेज और आधार कार्ड में मुबैना तौर पर हेरफेर करने के इल्जाम में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दो भाइयों को हिरासत में लिया है। मुलजिम पशिंदर मीना और उसके भाई पून को अहमदगढ़ के एक पब्लिक सर्विस सेंटर से हिरासत में लिया गया है। जराए के मुताबिक मुलजिम सचिन मीना के रिश्तेदार है, आप उनसे भी पूछताछ जारी है। नाजरीन, इस खबर के ताल्लुक से आपकी क्या राय, जरूर कमेंट में शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम।